विदिशा जिले के गुलाबगंज में नवीन कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री विदिशा पहुंचे एवं रघुपति राघव राजा राम के गायन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि गुलाबगंज में जो पंचायत राज का काम हो रहा है वह बहुत ही अच्छा कार्य है। साथ ही सिंह ने कहा कि मैंने ये आदेश किया है कि मैं जहां भी सभा करूंगा मंच पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि कांग्रेस में मंच की ही लड़ाई है। साथ ही कहा कि ना ही बैनर और ना ही फूलमाला पहनूंगा। साथ ही यह भी कहा कि अगर बैनर में फोटो और मंच की लड़ाई खत्म हो जाए तो कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। साथ ही गांधी जी का संदेश भी दिया। इससे पूर्व सभा को विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने संबोधित किया था। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री राकेश कटारे ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा एवं विदिशा के प्रभारी मंत्री हर्ष यादव द्वारा स्वागत वंदन किया और शुद्ध की माला एवं प्रतिमा भेंट कर सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात दिग्विजय सिंह ने सहकारी बैंक का लोकार्पण किया। बाद में राकेश कटारे के निवास पर भी स्वागत पूर्व सीएम का किया गया। विदिशा से आशीष सेले की रिपोर्ट। महात्मा गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज का, वो हमें पूरा करना चाहिए। मैंने निजी तौर पर ये भी तय किया है कि जहाँ मेरा कार्यक्रम होगा हम लोग मंच पे नहीं बैठेंगे। कारण यह है कि मंच की लड़ाई सबसे खतरनाक लड़ाई होती है। मंच की लड़ाई खत्म हो जाए तो हमारी लड़ाई हमारी खत्म हो जाए, क्योंकि कौन मंच पे बैठे कौन नहीं बैठे ये सबसे बड़ा। मैंने तय किया हुआ कि हम लोग मंच पे नहीं बैठेंगे। दूसरा निर्णय यह है कि फूलमाला ना पहने, क्योंकि किसी भी नेता का दिमाग खराब करना है तो उसको महामंडल कर दिया। इसका हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर नहीं रहेगा तो ये देश तरक्की नहीं कर सकता। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। वैमनस्यता से समाज कमजोर होता है, वैमनस्यता से देश कमजोर होता है, वैमनस्यता से हिंसा बढ़ती है। भगवान महावीर का आज जन्मदिन है, 17 अप्रैल भगवान 17 नवम्बर हमारा भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन हम चाहते हैं कि भगवान महावीर का जो संदेश है सत्य अहिंसा और सद्भाव, इसे हम लोग अपनाएं, क्योंकि भारत की यही संस्कृति और सद्भाव रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।